हिंदू देवादेवी मंदिर को स्वाधीनता दिया जाऊ, सरकार को अधीनमुक्त करा जाऊ, सांविधानिक व्यवस्था विरोधाचरण करुवा आईन को बदल दिया जाऊ, सबु धर्मर देवादेवी पीठ भली हिंदू मंदिर गुड़िकर परिचालना दायित्व हिंदू मानकर एक कमिटी को दिया जाऊ, एपरी आवेदन करी सुप्रीम कोर्ट रे दाखल होई जनस्वार्थ संबलित मामला। सुप्रीम कोर्ट वकील अश्विनी उपाध्याय दाखल करथिबा जनस्वार्थ मामला रे दर्शाई जे हिंदू देवादेवी पीठ को सरकारी नियंत्रण मुक्त करा जाऊ, देश रे मस्जिद चर्च और पारसी मानकर धर्मपीठ सरकारी नियंत्रण रे नाही, हेले मंदिर जैन मंदिर गुरुद्वार भली धर्मपीठ को सरकार काहीकि नियंत्रण करुछंती, अनेक स्थान रे सरकारी नियंत्रण परिचालनागत त्रुटि करुछि, सरकार से सबु धर्मपीठर नीति परंपरा और पर्वपर्वाणी को नियंत्रण करुछंती, संविधान धारा 26 बी को उल्लंघन करुछि। देखंतु संविधान धारा 26 बी कौन कहुछि। यार अर्थ धर्मपीठ गुड़ी परिचालना पाई स्वाधीनता दिया जिबा कथा। एक कथा आमे कहुनौ जे ताहा मिली नाही, भारतर मुसलमान ख्रीस्टियान और पारसी मानंकु तांको धर्मपीठ परिचालनार स्वाधीनता रहिछि, सरकार सेथिरे हस्तक्षेप करि पारु नाहंती, हेले हिंदू धर्मपीठ गुड़ी स्वाधीनता मिली नाही, सरकार एहाकु नियंत्रण करुछंती, एथिपई सरकार हिंदू देवत्वर आईन 1863 कु कार्यक्षम करुछंती। एही जनस्वार्थ मामलार सुनानी बेले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण निजर पक्ष रखी कहिथिले सरकारक परिचालना अंकुश केवल गोटे धर्म पई काहेकि, एहा संविधान धारा 14 को उल्लंघन करुनाई कि, संविधान विरोधाचरण करुथुबा व्यवस्था को उच्छेद करबाकु आवेदन करा जायथिला। मामलार सुनानी करी मुख्य विचारपति जस्टिस यूयु ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट एनेई अधिक प्रमाण दाखल करबाकु आवेदनकारीकु निर्देश देथिले। एही मामलार परवर्ती सुनानी सेप्टेम्बर 19 रे करा जिवो। परवर्ती सुनानी रे सुप्रीम कोर्ट को राय कौन आसुची ताहा उपरे रहिछि समस्तक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट द क्विवर। जोड़ी हमको लाइक फॉलो एवं सब्सक्राइब करूँ। अधिक अपडेट विजिट करूँ आम वेबसाइट thequiver.in।